गाइस, सो वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, एंड स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है अमित, एंड अभी मैं हूँ दिल्ली की सड़कों पे घूम रहा हूँ। इनफैक्ट टू बी प्रिसाइज, पहाड़गंज में हूँ दिल्ली में। ये ओल्ड दिल्ली का एक एरिया है जो टूरिस्ट से भरा पड़ा है। होटल्स यहाँ पे भरे पड़े हैं। यहाँ पे आपको अगर दिल्ली में टूरिस्ट ज़्यादा मिलेंगे या आप ऑनलाइन होटल सर्च करेंगे तो आपको पहाड़गंज एक ऐसे एरिया है जो कॉमन रहेगा। वही सोच के मैंने भी पहाड़गंज में अपनी होटल बुकिंग की थी, एंड चलिए आपके साथ मैं शेयर करता हूँ कि क्या है पहाड़गंज और कैसा है पहाड़गंज, सो दैट आप लोगों को भी पता रहे बिफोर बुकिंग। तो ये पहाड़गंज में एक बहुत बड़ी वाइन शॉप या बियर शॉप बोल सकते हैं, मेरे पीछे आपको दिखती होगी, बहुत बड़ी दुकान है पहाड़गंज में। ऑलमोस्ट दो गालों की दुकान ही है, दो से तीन गाले हैं। एंड भाई दिन भर, मतलब इतने दिल्ली वालों को नहीं बोलूँगा, हर जगह होते हैं, बट इतने बड़े बेवड़े भरे पड़े हैं, मैं आपको क्या बताऊँ। मैं आपको अगर दिखाऊँगा दिनों दिन का मेरा एक्सपीरियंस तो आप शॉक्ड रह जाएंगे। पहाड़गंज में आपको काफ़ी ऐसे बोर्ड दिखेंगे जहाँ पे टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर वगैरह दिखेंगे, बट बी वेयर बिकॉज ये ज़्यादातर होटल्स वालों के ही रहते हैं, एंड ये जगह ही ऐसी है जहाँ पे फॉरेन टूरिस्ट वगैरह ज़्यादा आते हैं। सो आप लोगों को बहुत ध्यान से एंड काम करना होगा। अगर आपको नहीं चाहिए तो मत परचेज़ कीजिए, बट इन लोगों के बोलने पे या बहकावे में बिल्कुल भी ना आइए। Guys, so this is the center of पहाड़गंज, and you can see यहाँ पे है my bar. ओके गाइस, तो पहाड़गंज में सबसे ज़्यादा चीज़ अगर आप नोटिस करेंगे, दो तीन स्टॉल तो मैंने कर लिए हैं, वो है नान खटाई का, एकदम ताज़ा गरम गरम फ्रेशली प्रिपेयर, 30 रुपये में 100 ग्राम नान खटाई। खा के मैं देखा बहुत टेस्टी है, और मैं इसे पैक करवा रहा हूँ, पार्सल लेकर जाएंगे मुंबई में, बहुत टेस्टी थी। ₹50 भैया 200 ग्राम। तो ये किस चीज से बनी है? सूजी बेसन चीनी घी कुकिंग ऑयल से बेकिंग पाउडर से। तो सूजी बेसन चीनी घी कुकिंग ऑयल बेकिंग पाउडर ये सब मिला के बनती है नान खटाई, एकदम गर्मा गर्म है, बिकॉज ये देखिए आप यहाँ देख सकते, एक तरह का बोल सकते हो आप वेगन है, एक तरह का आप बोल सकते हो वेगन है, ऐसा भैया बोल रहे हैं, एकदम प्योर वेज है, नो केमिकल वगैरह नहीं है, नो केमिकल नो एग। अगर फिर भी लोगों को ट्रस्ट नहीं हो तो हमारा सैंपल लेके जाए और चेक करा के लाए। नहीं ये ना मैंने चीज इसकी एक आज एक यहीं पे बनता है हैंडमेड बिस्किट है। आप इनसे बैटरी है पार्ले जी वगैरह इनका मंथली का स्टॉक होता है महीने में, ये ज्यादा टाइम ही निकल जाता है इसका, या मतलब जो विदेशी साले चुपने हैं उनसे तो बेटर है, मेरा मानना यही है। पहाड़गंज दिल्ली में हूँ मैं, एंड आज हम कर रहे हैं स्ट्रीट फूड, जो भी खा सकते हैं। पीछे मैंने नान खटाई तो खाई है, जो कि एक ही दो पीस खाए मैंने, बट अच्छी टेस्टी, सोबर सिंपल,
एंड अब हम खाएंगे यहाँ पे एक सरदार जी हैं जो बेचते हैं परफेक्ट पंजाबी चाप। आप देख सकते हैं ये चौक बावली है, चौक बावली के सामने ही है ये परफेक्ट पंजाबी चाप। ये खाते हैं एंड ट्राई करते हैं। तो ये सारे जो चाप हैं ये सब बने सोयाबीन से। एंड चलिए कुछ ट्राई करते हैं अपन, क्योंकि 100% प्योर वेज है। मैं देखना चाहता हूँ कि कैसे टेस्ट करते हैं। फुल मसालेदार तो होते हैं, जो मैंने खाया था चांदनी चौक में हालत ख़राब हो गई थी जो मसाला चाप खाया था। यहाँ पे कुछ नया ट्राई करते हैं। कुछ चटपटा खाने के लिए ऑर्डर किया है, मसाला चाप नहीं। मैंने बोला चटपटा कुछ होगा वो ज़्यादा बेटर और ज़्यादा टेस्टी और थोड़ा पचाने के लिए भी अच्छा होगा मुझे। इसमें आप ड्राई भी खा सकते हैं और ग्रेवी में भी खा सकते हैं। ड्राई, हाँ जी ड्राई भी। सो गाइस पंजाबी स्पेशल चाप ट्राई करने जा रहा हूँ। इसके साथ आप रुमाली रोटी वगैरह भी ट्राई कर सकते हैं। दिल्ली में एक चीज़ मैंने नोटिस की है, दिल्ली में एक चीज़ मैंने नोटिस किया, चाहे चाप हो या कुछ भी स्ट्रीट फूड हो, आपको ये कांदा विद ग्रीन चटनी ज़रूर मिलता है और उससे बहुत ज़्यादा टेस्ट निकल के आता है। अब ये चाप मैंने सिर्फ लिया ऐसे ही खाने को, इसके साथ आप रुमाली रोटी वगैरह मिलती है वो भी ट्राई कर सकते हैं। परफेक्ट एकदम सोयाबीन का टेस्ट है एंड बहुत ही टेस्टी लग रहा है, एकदम चटपटा। ये अचारी है, ये दिया है सरदार जी ने अपने को अचारी चाप, जो अपन ट्राई कर सकते हैं। वो ज़्यादा बेटर है और टेस्टी है, ये सारी टेस्टी हैं। आपको ये खाएंगे ना नॉन वेज खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये मेरे पास नहीं है, वो तो फोन कराएगा। तुम वेज मगर ये नॉन वेज फेल है इसके आगे। बहुत बहुत टेस्टी लग रहा है। तो मैंने अभी अचारी चाप भी खाया, बहुत टेस्टी है। जैसे सरदार जी बोल रहे थे कि ये वेज में इतना अच्छा ऑप्शन है कि नॉन वेज फेल है इनके सामने, बहुत ही बेहतरीन। अब मैं ये फटाफट फिनिश करता हूँ एंड आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट स्टॉल पे। तो अब मैं ट्राई करने जा रहा हूँ हरियाली हरियाली चाप, फुल ग्रीन है, टेस्ट देखते हैं। बने तो सब सोयाबीन से हैं लेकिन जो मसाले यूज़ हुए हैं ना अलग अलग, उसको ऐसे टेस्ट बहुत यूनिक और अच्छा और अलग लगता है, समथिंग डिफरेंट। तो जी 80 रुपीज़ का बिल हुआ अपना एंड अभी पाजी बोल रहे हैं आप रुकिए ज़रा, मैं आपको अफगानी भी टेस्ट कराता हूँ। वो अफगानी चाप बना रहे हैं। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आप अगर दिन में आएंगे तो ये गली के अंदर रहते हैं, वहीं पर इनकी दुकान होगी, और रात में 8:30 बजे के बाद यहाँ रोड पे यहाँ पे आपको दुकान मिलेगी। तो अफगानी भी टेस्ट करके तभी निकलते हैं फिर। सो दैट्स रुमाली रोटी, अपन ने मुंबई में बहुत सी खाई होगी यार, बट ये ऐसे मैं आज देखा इसको अच्छे से। तो ये है अफगानी चाप एंड अभी मैं ये ट्राई करने जा रहा हूँ एंड देखते हैं ये कैसा है। पाजी ने मेरे को 3-4 डिफरेंट वैरायटी ट्राई करा दी, बहुत ही टेस्टी है यार और बहुत ही अच्छी सर्विस है पाजी की। काफ़ी ज़्यादा बटरी एंड चीज़ी फ्लेवर है और टेस्ट भी समथिंग डिफरेंट, कुछ अलग। बहुत प्यार से खिलाते हैं पाजी और बहुत ही बेहतरीन सर्विस है इनकी। चलिए अब ये सब खा के हो गया है, अब कुछ खाते हैं थोड़ा मीठा, बिकॉज़ मीठा खाने से ही खाने का एंड होता है।
आगे बहुत फेमस जलेबी वाले हैं, वहाँ जाते हैं। फूड लाइसेंस वगैरह सारी ही चीज़ें थी, तो एकदम रजिस्टर्ड जगह से आप खा रहे हैं, ऐसा मत समझिएगा कि स्ट्रीट फूड रोड का कुछ खा रहे हैं। अब चलिए वहाँ पे बहुत ही फेमस गर्मा गर्म जलेबी वाले हैं, अपन इनकी जलेबी ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसी है। मुझे मीठा ज़्यादा पसंद नहीं है, बट दिल्ली आए हैं और ये ट्राई ना करें तो बहुत बड़ी बात होगी। लेट्स सी कैसी लगती है जलेबी यहाँ की। ऑब्वियसली आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग डिफरेंट, खाए तो बहुत मुंबई में जलेबी हैं अलग अलग तरीके की, यहाँ देखते हैं आप। सो वैसे तो जलेबी 100 रुपये किलोग्राम है और इमरती 200 रुपये किलोग्राम। मैंने भैया से सिर्फ टेस्ट करने के लिए थोड़ा लिया है, बिकॉज इतनी जलेबी मैं खा भी नहीं सकता और यहाँ पे कोई है भी नहीं जिनको मैं खिला सकता हूँ। भैया ने बताया है कि 100 साल पुरानी दुकान है ये पहाड़गंज की, नाम है लाला रामचंद्र जी। यार काफ़ी करारी बोलते हैं ना, कुरकुरी जलेबी है, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम मीठी हो के झूल गई हो, बहुत कुरकुरी और ज़्यादा मीठी नहीं लग रही है सरप्राइजिंगली। मतलब जलेबी मीठी होनी चाहिए बट ये बहुत टेस्टी लग रही है, और मेरे जैसे इंसान को एक बाइट तो अब पता चल रहा है 100 साल से दुकान कैसे चल रही है। बहुत ही टेस्टी है, इन कुरकुरे जलेबी हमेशा अच्छी लगती है। बोल जाने ये 200 रुपये किलो है और उड़द दाल की बनती है इमरती, ये टेस्ट करते हैं आप। इमरती बोलते हैं सर, इमरती वो जैसा मेंदू वड़ा खाते हैं वो भी उड़द दाल का होता है ना, उड़द दाल का टेस्ट आ रहा है। तो ये इमरती है, उड़द दाल की बनी हुई है, तो टेस्ट तो बट ऑब्वियस मीठा है और बहुत डिलीशियस है, बट अगर आप कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली उड़द दाल का दूसरी चीज़ होती है मेंदू वड़ा, या जो अपन भजिए खाते हैं उड़द के, वैसा लग रहा है। तो ये इतना फटाफट ख़त्म करता हूँ और आज का तो मेरा खाना हो गया। जलेबी तो बेहतरीन थी, उस बंदे से जब मैंने पूछा कितना हुआ, एक्चुअली 30 रुपीज़ हुआ था, बिकॉज मैंने 100 ग्राम जलेबी ली थी 10 रुपये की। इमरती उसने मुझे अपनी तरफ से दिया था क्योंकि मैं खा रहा था और YouTube पे उसे पता चला कि मैं बनाऊंगा वीडियो, तो वो मुझसे पैसे नहीं ले रहा था, बोलता है थैंक यू भैया प्रमोशन के लिए। मैंने उसे बताया कि प्रमोशन भाई मैं नहीं कर रहा हूँ, जो चीज़ अच्छी है वो बता रहा हूँ। तो उसने फिर मुझे बोला आपके चैनल का नाम क्या है, मैं मुंबई कर निखिल को फॉलो करता हूँ। सो गाइज ये बहुत प्राउड मोमेंट था मेरे लिए, बिकॉज जैसे कि मैं हमेशा सबको बोलते गया हूँ, मुंबई कर निखिल की वजह से ना इंडिया में ब्लॉगर्स की रिस्पेक्ट थोड़ी बढ़ती जा रही है, एंड एज यू ऑल नो वी ऑलमोस्ट एवरीवन लव्स मुंबई कर निखिल। एनीवेज ऑन दिस गुड नोट साइनिंग ऑफ फ्रॉम पहाड़गंज, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, सब्सक्राइब करेंगे तभी कुछ होगा मेरा भी। थैंक यू सो मच, प्यार बनाए रखिए, गुड नाइट, बाय बाय।